और अब बात कर लेते हैं बजट सत्र की। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है, सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी विपिन उपाध्याय का, हमारे साथ विधानसभा परिसर से जुड़ रहे हैं। विपिन, बजट सत्र चल रहा है और आज भी कई मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे, क्या कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे? हालांकि विपक्ष के तेवर तो बिल्कुल अब भी वैसे ही नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कि जिस तरह से अभी झारखंड विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, बहुत सुंदर तरीके से किसी भी तरह का हंगामा सदन में देखने को नहीं मिल रहा है। जो संसदीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत सदन के अंदर तमाम सवाल जो विधायक पूछ रहे हैं, चाहे दूसरी पाली में अगर अनुदान की मांगों पर चर्चा के संबंध में बात करें या फिर जो प्रश्नकाल है उसकी बात करें, तो बहुत अच्छे तरीके से और तकरीबन 5 साल के बाद सदन का ये जो गतिरोध है ये दूर होता है इस बार बजट सत्र में नजर आ रहा है। और जिस तरह से राज्य की सरकार ने इस विधानसभा की जो संसदीय व्यवस्था की को लेकर एक बड़ा निर्णय जिस तरह से कर लिया था, जो कि बीते 20 वर्षों में कभी देखने को नहीं मिला है कि सदन आहूत हो और कोई नीतिगत निर्णय जो है उसकी घोषणा सदन के अंदर राज्य का मुख्यमंत्री करता हो, तो इसने भी झारखंड के संसदीय व्यवस्था के इतिहास में कल की जो तारीख थी उसको सुनहरे अक्षरों में अंकित करा दिया। और आज की अगर बात करें तो सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले अपनी कुछ मांगों को लेकर जेएमएम के एक समुदाय विशेष के विधायक जो है वो सदन के अंदर सदन के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट में बैठे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कई महत्वपूर्ण सवाल आज, चाहे वो फूड सप्लाई विभाग की बात करें या फिर अगर अनुदान मांग की बात करें, तो जब कार्यसूची हमें उपलब्ध कराई जाएगी तो पता चल पाएगा कि सेकंड जो हाफ है उसमें किस विषय को और किस विभाग के बजट को जो है वो आज अनुदान के रूप में सरकार सदन के पटल पर रखेगी। और जिस तरह से जो बातें सामने आई कि 19 मार्च को झारखंड सरकार का ये जो बजट है ये विधानसभा से पारित हो जाएगा, यानी कि जिस मुद्दे को लेकर सदन आहूत की गई है, सबसे प्रमुख जो होता है बजट, उसके लिए भी 19 तारीख तक का इंतजार सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से कल कई सार्थक सवाल सदन में उठे थे जिसमें पक्ष विपक्ष ने मिलकर सरकार को सहयोग किया था, सुझाव दिया था, ठीक उसी तरीके से आज भी सदन की कार्यवाही के बाद कई महत्वपूर्ण सवाल जो है वो सदन में उठाए जाएंगे। चलिए, तो अब देखना होगा सदन में आज कौन कौन से सवाल उठाए जाते हैं। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज भी सदन में कई सवाल उठाए जाएंगे, अब देखना होगा कि कौन कौन से मुद्दे आज सदन में उठाए जाते हैं।